इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें बदलनी पड़ी और सारा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर रंजीत जी को, इन्होंने लगातार मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैंने लुक चेंज किया। और इसके साथ में क्योंकि ये कॉमन मैन की कहानी थी और अच्छी बात ये थी कि हमने जो शूट प्लान किया था वेट इस फिल्म के लिए 10 से 15 वेट लूज इसने किया, इस गेटअप और पूरा गेटअप के लिए एक साल पहले इसने तैयारी की, ताकि इसमें जो कैरेक्टर था मजदूर का कैरेक्टर है जो राम भजन टाइटल है, एक मजदूर है वो तैयार है, जो इसके लिए तैयारी करना था, जिसको लुक बनाना था। और ये NSD से, NSD में टॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली है, इनसे यहाँ से टॉप ये टॉप है यहाँ से। और जब मैंने अभय को कास्ट किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि यार कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्रॉपर हीरो नहीं देखनी चाहिए, फिल्म को हीरो नहीं चाहिए था, एक कैरेक्टर चाहिए था जो कि कॉमन मैन से रिफ्लेक्ट करे, जो मुझे अभय में दिखा। और इसने बखूबी बहुत अच्छा निभाया, ओम जी भी बहुत अच्छा है, ओम पुरी, कुलभूषण करबंदा, आप पहली बार कुलभूषण जी को एक कॉमेडी, एक सटायरिकल वे पे आप देखेंगे, जगदीप साहब को पहली बार आप राजा इसमें बनते हुए देखेंगे, कुल जी ने कमाल का रोल इसमें किया है, कुलभूषण करबंदा मतलब फैबुलस रोल, एंड ओम जी इज़ वेरी नाइस। और अच्छी बात फिल्म की ये थी कि क्योंकि जिस तरीके की कहानी थी फिल्म की, हमने कोई सेट नहीं लगाया फिल्म का, सारा हमने रियल लोकेशन पर शूट किया। और इत्तेफाक से ऊपर वाले की दया से मेरे जो को एक्टर मेरे सीनियर हैं, ओम जी अपने आप में अप्रतिम अभिनेता हैं, तो उनके और अच्छा अभिनय आप तभी कर पाते हैं जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, तो इफ़ यू गेट द राइट रिएक्शन देन यू कैन गिव द राइट एक्शन। तो हम ओम जी के साथ मिलके रंजीत जी ने लगातार हमको कोक्स किया, तो हम सीन की पहले प्रिपरेशन कर लेते थे ओम जी के साथ बैठ के, हम घंटों बैठ के सारे सीन, जब हम सेट पे जाते तो ऐसा नहीं होता था कि भाई क्या लाइन है, हम वेल प्रिपेयर्ड होते थे इस तरीके से। और लगातार रंजीत जी के अच्छे गाइडेंस थे, वो हमें पहले बताते थे कि मुझे ये चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं होती थी शूट करने की, वो आराम से हमें टाइम देते थे कि आप टाइम ले लीजिए, देखिए कि किस तरीके से एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए फिल्म सब्जेक्ट लेना बहुत ही अभी ज़रूरी था। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बहुत रियल लोकेशन में करना था शूट, लखनऊ बाराबंकी एक गांव है बाराबंकी में जहाँ पे हुआ है शूट, रियल लोग मतलब पब्लिक को बिना बताए कैमरा रख के हम लोग ने भगाया उसको, हाँ बहुत ही कमाल वे पे भगाया बंदे ने, बहुत अच्छा वे पे किया हुआ। और ये मेरी पहली डेब्यू है, इससे पहले मैं बहुत सारे लोगों से काम किया हूँ, एक इम्तियाज़ अली के साथ असिस्ट में किया हूँ, मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किया, रिसेंटली आप रज़िया सुल्तान देखते होंगे, बेगूसराय देखते होंगे, वो सब में काम किया है, मैंने डायरेक्ट किया है। ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है जिसको काफ़ी टाइम से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को रंजीत जी ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करेक्ट तरीके से ना कर पाएँ, तो अच्छे स्क्रिप्ट के भी बैंड बच जाता है। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट थी रंजीत जी ने उसी तरीके से फिल्म को पूरा समझ के, स्क्रिप्ट को पूरा समझ के, वैसा का जैसा स्क्रिप्ट जो सजेस्ट कर रही थी, टेक्स्ट के अलावा जो सब टेक्स्ट सजेस्ट कर रही थी फिल्म, उसको उन्होंने शूट किया और रियल लोकेशन पर था, बड़ा अच्छा। ओमपुरी ने आज तक 10 मिनट का सीन पहले श्याम जी के फिल्म में करते थे, अभी बीच में पिछले 15 साल से कोई ऐसा कभी नहीं किया है। इन्होंने पहला जब मैं उनसे मिला बोला रंजीत मुझे ऐसा सीन देना कि मैं छोटे छोटे सीन में करूं, वन शॉट लेना मत मेरा, मैं क्लोज लेना ये लेना, तो मैंने उनको बोला ठीक है सर हो जाएगा तभी मैं तुम्हारे साथ करूंगा फिल्म, मैंने कहा ठीक है सर हम लोग वन शॉट लेंगे नहीं। जब मैं सेट पे गया मैंने उनको मैंने बोला सर कि एक ये 6-7 पेज का सीन है और वन शॉट है, फुल स्टडी कैम्प है, पूरा गांव में किसी को बताना नहीं है, वहाँ से आप लोग चलते हुए आ रहे हैं। वो परेशान हो गया यार कैसे बात कर रहा है तुमसे, तो मैंने बात किया था ये नहीं सर एक बार करो, से हम लोग ने बूस्ट किया, अभय ने बहुत कोशिश किया उसमें रिहर्सल करने के लिए, बिलीव क्या काम किया, वन शॉट 10 मिनट के सीन में।